हेलो फ्रेंड्स, हिंदी सीखो चैनल में मैं रश्मि लाल आपका स्वागत करती हूँ। थोड़ी व्यस्तता की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, लेकिन आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रही हूँ जिसमें अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं, जो है काल। काल का अर्थ है समय। देखिए, यहाँ पे समय लिख दिया है मैंने। काल का क्या अर्थ है? समय। काल का अर्थ मृत्यु भी होता है, पर यहाँ पर हम समय की चर्चा कर रहे हैं। काल अर्थात समय, इसका संबंध क्रिया से होता है। कोई भी कार्य किस समय में हो रहा है, यही बताता है काल। कोई कार्य, कार्य क्या है, कार्य या क्रिया क्या है? खाना, नहाना, पढ़ना, घूमना, हंसना, रोना, ये सब क्रिया है। ये क्रियाएं किस वक्त या किस समय में हो रही हैं, यह जानकारी काल बताता है। अब हम परिभाषा की ओर चलते हैं। देखिए, क्रिया के जिस रूप से हमें उसके होने के समय का पता चले, उसे काल कहते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि क्रिया अर्थात कोई भी काम, नहाना, घूमना, पढ़ना, जैसे घूमना ही ले लेते हैं, तो हमने 2 साल पहले घूमने गए थे, हम 2 साल पहले घूमने गए थे, तो यह हो गया, पहले क्रिया हो चुकी है, पहले के समय में हुई है। अभी हम घूम रहे हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि यह क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, अभी हो रही है। और हम घूमने जाएंगे, 2 साल बाद भी जा सकते हैं, 1 साल बाद भी जा सकते हैं, या थोड़ी देर बाद भी जा सकते हैं, तो वह क्रिया अभी हुई नहीं है, होगी, बाद में होगी। तो यह भविष्यत काल होता है, फ्यूचर होता है, जो बाद में हम करते हैं उसे फ्यूचर, भविष्यत काल कहते हैं। तो अब देखिए, काल के कितने भेद हैं। काल के यहाँ स्पष्ट रूप से 3 भेद बताए गए हैं। देखिए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल का क्या तात्पर्य है? जो कार्य अभी हो रहा है या बहुत समय से लगातार होता रहता है, जैसे सूरज रोज उगता रहता है, रोज उगता है सूरज, तो ये भी एक वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। मैं खाता हूँ, खाना तो रोज ही खाते हैं हम लोग, तो ये भी वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। माँ खाना बना रही है, मतलब माँ खाना अभी बना रही है, यह काम अभी चल रहा है। कोई भी काम जो अभी चल रहा होता है, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो वह फिल्म देखने जाता है, फिल्म देखने भी वह रेगुलर जाता है, तो यह भी वर्तमान काल के अंतर्गत। वह फिल्म देखने जाता है, तो यह वर्तमान काल है। ठीक है, वर्तमान काल में क्या होता है कि काम हो रहा होता है अभी भी। रोहन खेल रहा होगा। अब मैं कह रही हूँ कि रोहन खेल रहा होगा, रोहन मेरे सामने नहीं है, लेकिन रोहन कहीं पर खेल रहा है, प्लेग्राउंड में खेल रहा है रोहन। अभी तक उसका खेलना हुआ नहीं है, वह अभी खेल ही रहा है। यह बताता है वर्तमान काल कि रोहन खेल रहा होगा, मतलब रोहन खेल चुका नहीं है और खेलेगा नहीं, वह अभी भी खेल ही रहा होगा, मतलब वर्तमान समय में कार्य चल रहा होगा। अब देखिए भूतकाल। भूतकाल का तात्पर्य है कि जो कार्य हो चुका है, पहले हो चुका है, जैसे कि राम ने केला खाया, राम पहले खा चुका है केले को, तो यह क्या हो गया? भूतकाल। भूत मतलब पहले, पहले जो कार्य हो चुका है, पहले के काल में, पहले के समय में जो कार्य हो चुका है, उसे भूतकाल। बिल्ली दूध पी गई। अब बिल्ली क्या किया, बिल्ली ने दूध को पी गई, पहले ही पी चुकी है बिल्ली दूध को, तो यहाँ पर भी भूतकाल होगा। मैंने गाना गाया था, गाना गाया था, कभी गाया था गाना, अभी ना गा रहा हूँ ना गाऊँगा, पहले गा चुका हूँ, तो क्या हो गया, ये भी भूतकाल हो गया, क्योंकि ये पहले के समय के बारे में बता रहा है। मैं चाय पीकर आया हूँ, मतलब चाय मैंने कुछ समय पहले पी लिया है, तो यह भी भूतकाल में ही आता है। मैं चाय पीकर आया हूँ, मतलब चाय पी चुका है मैंने चाय पी चुका है। वह फिल्म देखने गया था, फिल्म देखने वह गया था, मतलब फिल्म देख चुका है, वो गया था फिल्म देखने पहले। अब चलिए भविष्यत काल की ओर चलते हैं। भविष्यत काल, जो कार्य फ्यूचर में होगा, मतलब भविष्य में होगा, जो ना अभी हो रहा है ना हो चुका है, बल्कि होगा बाद में। तो मैं परीक्षा देने जाऊंगा, अभी मैं गया नहीं हूँ और ना ही मैंने परीक्षा दे दिया है, मैं परीक्षा देने जाऊंगा, मेरी परीक्षा होने वाली है, मैं परीक्षा देने जाऊंगा,
तो ये भविष्य काल के अंतर्गत होगा। तुम कब आओगे, अब किसी से पूछ रहे तुम कब आओगे, अभी उस वह आया नहीं है, वह आएगा, तो ये फ्यूचर की बात है, भविष्य की बात है कि वह आएगा। मैं अपना सपना पूरा करूँगा, अब कोई कह रहा है कि मैं अपना सपना पूरा करूँगा, तो वह भविष्य में अपना सपना जो भी उसने सोचा है वह पूरा करेगा। अभी उसने सपना पूरा किया नहीं है, करेगा। करेगा जब आता है तो यह भविष्यत काल आता है, फ्यूचर है। हम सब दिल्ली जाएंगे, मतलब हम लोग दिल्ली जाएंगे, अभी गए नहीं हैं और ना ही दिल्ली में हैं, हम लोग जाएंगे दिल्ली। वह फिल्म देखने जाएगा, फिल्म देखने जाएगा, जब फिल्म का समय होगा, टाइम होगा, तो वह फिल्म देखने चला जाएगा। काल का संबंध स्पष्ट रूप से क्रिया से ही है कि क्रिया कब हो रही है, किस समय हो रही है। तो अब देखिए क्रिया है यहाँ हंसना, चलना, पढ़ना। तो हंसना का वर्तमान काल में क्या होगा, हंसता है, चलता है, पढ़ता है, ठीक है। कोई हंसता है मतलब अभी काम हो रहा है, चलता है मतलब अभी चल रहा है, पढ़ता है। अब यहाँ भूतकाल में आते हैं हम लोग, भूतकाल, भूतकाल में देखिए हंसता का हो जाता है हंसा, मतलब वह हंसा, पहले ही हंस चुका है, हंसा था, चला था, पढ़ा था, पढ़ चुका है, चल चुका है, हंस चुका है, ये सब क्या है, भूतकाल। और भविष्यत काल में आते हैं, देखिए भविष्यत काल में वह हंसेगा, चलेगा, पढ़ेगा, ठीक है। कोई कॉमेडी फिल्म मूवी देखेगा तो हंसेगा, चलेगा जब किसी गंतव्य पे उसको जाना होगा, स्कूल जाना होगा, तो वो चलेगा, और पढ़ेगा जब उसका टाइम होगा पढ़ने का, तो वो पढ़ने बैठेगा, कोई शाम को पढ़ने बैठेगा, मतलब अभी वह नहीं पढ़ रहा है और न पढ़ चुका है, वह पढ़ेगा बाद में, भविष्य में, ठीक है। तो स्पष्ट हो गया भविष्यत काल, भूतकाल और वर्तमान काल क्या है। इसके भी अलग अलग भेद हैं, वर्तमान काल के भी अलग अलग भेद हैं, भूतकाल के अलग भेद हैं, भविष्यत काल के अलग भेद हैं, ये हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी अगर मेरा वीडियो आप लोगों को लाइक करना है ज़रूर से, क्योंकि आपको अगर पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी जानकारी हो जाए, है ना। चलिए बाय।